हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं प्रदीप सर, आज हम आपको क्लास अलेवेंथ का, किसका क्लास अलेवेंथ का लेक्चर नंबर नेक्स्ट जो एटॉमिक्स स्ट्रक्चर चल रहा था, यानी परमाणु संरचना चल रहा था, परमाणु संरचना, तो परमाणु संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और परमाणु संरचना का ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। शुरू से अंत तक देखना तो मजा आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मतलब ये जो हम लेक्चर बता रहे हैं, अगर आप कंप्लीट ए टू जेड लेक्चर देख लिया है और आईआईटी हो या जेई हो, आईटी जेई हो या नीट हो, अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा और बिना कॉपी कलम का, सबसे खास बात यह है कि बिना कॉपी कलम का आपको क्वेश्चन बनेगा, इसकी गारंटी है। बस आपको जो चीज मैं बता रहा हूं उसको कंप्लीट वे में आपको ध्यान से रखना है। हाँ, तो सबसे पहले आपको मैं छोटा सा एक टॉपिक है एलिमेंट के इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसके जस्ट बाद क्वांटम संख्या पढ़ाऊंगा, क्वांटम नंबर बताऊंगा। इसलिए पूरा देखिएगा, ये थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और क्वांटम नंबर को शुरू कर देंगे, उसके बाद लगातार आपका चलता रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। आप लोग इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एकदम धीरे धीरे लिख रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं आप लोग, ताकि साथ साथ लिखते चले जाएंगे और समझते चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका नाम हो सकता था प्रोटोनिक विन्यास भी, हो सकता था न्यूट्रॉनिक विन्यास भी। आखिर इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों हुआ? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर आधारित है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर आधारित विन्यास को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग सब सेलों में भरते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसमें भरते हैं? सब सेलों में, सब सेलों में भरते हैं, याद रखिएगा। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस चिड़िया का नाम है, आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, तो आपको एक लाइन में सीधा जवाब देना है कि सर जी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर आधारित विन्यास को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो मेरे साथ साथ आप लोग लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर विन्यास को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। यानी द कॉन्फिगरेशन इंग्लिश में विच इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर बेस्ड है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, जैसा कि आपको पता होगा कि एटम के दो भाग होते हैं, एक नाभिक होते हैं, दूसरा कक्षा, न्यूक्लियस होते हैं, एक आपका ऑर्बिट होता है। यानी परमाणु के सर जी दो भाग होते हैं, परमाणु के जो है, यानी एटम के, ये बोल रहा आइटम, आइटम का है बोले हो, आइटम मने दोसर मीनिंग, एटम मने परमाणु, समझ रहे हैं? तो भैया ये जो परमाणु है, एकरा के दो भाग होता है, एक को कहते हैं नाभिक और दूसरा को बोलते हैं कक्षा। नाभिक को इंग्लिश में बोलिएगा न्यूक्लियस और कक्षा को बोलिएगा ऑर्बिट, ठीक है। अब ये जो नाभिक है, नाभिक में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, और ये जो कक्षा है, कक्षा यानी ऑर्बिट, इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। ध्यान दीजिएगा और एक बात, अभी जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को हम लोग सीख रहे हैं, तो
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको चार तरीके से हम आपको सिखाएंगे। कितने तरीके से? चार तरीके से। यानी आज कंप्लीट हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कर देंगे स्वाहा, खत्म। पहला, सबसेल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सबसेल, सबसेल के अनुसार, यानी सबसेल के अनुसार कर देंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे सेल के अनुसार, सेल के अनुसार, ऑन द या अकॉर्डिंग टू सेल। उसके बाद हम आपको बताएंगे अक्रिय गैस के अनुसार, अक्रिय गैस यानी नोबल गैस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नोबल गैस, नोबल गैस के अनुसार। उसके बाद आपको बताएंगे ऑर्बिटल के अनुसार, ऑर्बिटल के अनुसार, ठीक है। तो ये चार टाइप का हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। उसके लिए कुछ हम आपको एमटीआर करने देंगे। एमटीआर का फुल फॉर्म हुआ एम से मारो, टी से टोटल, आर से रट्टा। नहीं तो लगेगा वो फट्टा। यानी कुछ हम आपको रटने के लिए देंगे, उसको आपको रट लेना है। अगर आप रट लीजिएगा तो पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। बस याद कर लीजिए। बस मेरा एक निवेदन है कि बस आपको क्या करना है, याद कर लेना। कहते हैं, देखिए भैया, कहते हैं मुश्किल इस मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपना इरादा तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो, अगर दिल में कुछ करने की चाहत हो, तो सितारे भी अपने जगह बदल देते हैं। इसलिए चाहत है पढ़ने का तो कंप्लीट वे में पढ़िए, फिर ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। फिर आप बढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे, धीरे धीरे कॉपी की मोटाई बढ़ती चली जाएगी, आपको रिवीजन करने का समय भी नहीं मिलता है। हम जानते हैं इस बात को, इसलिए कंप्लीट वे में आपको पढ़ाई करना है। सर आइए, परमाणु का संरचना बनाते हैं। ये आपका हो गया नाभिक, न्यूक्लियस। ये हो गया पहली कक्षा, ये हो गया दूसरी कक्षा, और ये हो गया हमारा तीसरी कक्षा, और ये हो गया हमारा चौथी कक्षा। इस तरह से कक्षा, चौथा कक्षा थोड़ा सा गड़बड़ा गया। ये देखो, गोल गोल बनाना, गोले गोले तब ना डोले डोले। तो ये आपका हो गया कक्षा, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, पांच होगा, छह होगा, सात होगा, अनंत तक लेके जा सकते हैं। ये एन वन है पहली कक्षा, ये एन टू है, ये एन थ्री है, और ये एन फोर है, डॉट डॉट डॉट। इसको भैया बोलते हैं हम लोग कक्षा, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। समझना, कक्षा को हम लोग सबसे पहली कक्षा को हम लोग के सेल बोलते हैं, दूसरा को एल सेल, तीसरा को एम सेल, और चौथा को एन सेल, डॉट डॉट डॉट। ये हमारा हो गया सेल, ठीक है। सेल कहां से स्टार्ट होता है? तो के से, इसीलिए के एल एम एन ओ, इस तरह से सेल हो गया अपन का, सेल हो गया। अब सेल में होता है सब सेल, तो पहला से एक सब सेल होगा एस, दूसरा होगा एस और पी, तीसरा होगा एस पी डी, और चौथा होगा एस पी डी एफ। चार सब सेल, पहला सेल, पहला सब सेल एस, दूसरा में एस और पी, तीसरा में एस पी डी, और चौथा में एस पी डी एफ। बोलो तो क्या क्या, पहला में एस, दूसरा में एस पी, तीसरा में एस पी डी, और चौथा में एस पी डी एफ। चार सब सेल, चार, चौथी कक्षा चार सब सेल। पहली कक्षा एक सब सेल एस, दूसरा में एस पी, तीसरा में एस पी डी, और चौथा में एस पी। पूछेगा कि बताओ पी सब सेल कहां से स्टार्ट होता है, तो आप बोला दूसरी कक्षा से। डी सब सेल कहां से स्टार्ट होता है, तीसरी कक्षा से। एफ सब सेल कहां से स्टार्ट होता है, चौथी कक्षा से। तो भैया ये जो कक्षा है, क्या मैं इसमें ऐसा लगा सकता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो? ये पहली कक्षा है तो इसमें हम लगा दिए वन, ये दूसरी कक्षा है इसमें लगा दिए दो, और ये तीसरी कक्षा है इसमें लगा दिए तीन, और ये चौथी कक्षा है लगा दिए चार। तो आपका देखो सब सेल आने लगा, सब सेल आपको प्राप्त होने लगा, 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरह से याद हो रहा आ रहा। तो भैया इसको आपको एमटीआर बस यही करना है, एमटीआर जो बोले थे अभी आपको याद कर लेना, ये वाला। बोलो 1s 2s 2p 3s 3p, बोलो तो 1s
2s 2p 3s 3p 1s 2s 2p 3s 3p 1s 2s 2p 3s 3p याद हो गया 1s 2s 2p 3s 3p बोलो लो 1s 2s 2p 3s 3p 1s 2s 2p 3s 3p 1s 2s 2p 3s 3p याद हो गया। अब इसके आगे 4s आप कहेगा 3p के बाद 3d होता है ना सर जी, ये अभी हम ऑफ बाउ का जब प्रिंसिपल बताएंगे, ऑफ बाउ का प्रिंसिपल है बाउ समझो, तब बताएंगे वहां ऊर्जा के बढ़ते क्रम में सजाते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरते हैं ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, इसलिए हम डायरेक्ट अभी एमटीआर सिखा रहे हैं कि मारो टोटल रट्टा इसको रट लो। 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d और 7p याद हुआ। बोलो एक बार 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p जो सुना देगा उसको डायरी मिल के लिए 21 रुपया आपको 20 रुपया मिलता है, 1 रुपया एक्स्ट्रा, 21 रुपया आपको मिलेगा इनाम। ऑनलाइन वाले हैं या ऑफलाइन वाले हैं 21 रुपया जो सुना देगा ये कंप्लीट, तो इस नंबर पे आपको फोन करके सुनाना होगा। अगर आप इस नंबर पे फोन करके सुना देते हो ठीक है तो आपको मिलेगा 21 रुपया आपके फोन पे पर भेज दिया जाएगा, लेकिन याद रहे कि याद करके कंप्लीट सुनाओगे समझे, हाँ वीडियो कॉलिंग पर सुनेंगे, नहीं तो कॉपी देख देख के कहेगा कि हाँ याद हो गया, तब अगर याद कर लोगे तो अच्छी बात है। हम ये टॉपिक समझू देते हैं याद करने के लिए, एक इनाम के तौर पर आपको दिए। बहुत लोग कहते हैं देखते होंगे ना आजकल देखो गर्लफ्रेंड सब बना लेता है या बॉयफ्रेंड बना लेता है तो बड़ा खुश हो जाता, अरे आई हैव अ बॉयफ्रेंड आई हैव अ गर्लफ्रेंड, उड़ने की जरूरत नहीं है, उड़ने की जरूरत नहीं है समझ रहे हैं, शादी अपनी गर्लफ्रेंड से करके दिखाओ तो कुछ बात है, शादी अपनी गर्लफ्रेंड से करके दिखाओ तो कुछ बात है, वरना दूसरे की गर्लफ्रेंड से शादी तो माँ बाप भी करा देते समझ गए, इसलिए उड़िए मत पूरा पढ़िए। तो भैया याद रहेगा ये, अब आइए या नहीं तो अगर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं ऐसे भी, ये मेरा 1s है, ये मेरा 2s है, यहाँ पर 2p है, ये हमारा 3s है, 3p है, 3d है, 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, नहीं बैठा इसको फिर से लिखता हूं, एक ना इसको भी 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5p 5d 5f हाँ उसके बाद होता है 6s समझ रहे इस तरह से। तो आप इसको ऐसे काटिए, पहला में एक को दूसरा में एक को काट दिए, फिर दो और दो, फिर अब तीन, एक दो तीन, अब एक दो तीन, कट गया ना। अब इसको ऐसे भी मिलाओ, मिलाओ इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, और इसको इससे मिला दो, और इसको इससे मिला दो इसे। तो भैया यहां से शुरू करना है, ऐसे चलते रहना है और दोनों छोर को पकड़ के खींचिएगा, तानिएगा, तानने के बाद आपको दिखेगा इस तरह का 1s दिखा, 1s के बाद इधर आएंगे 2s 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 के बाद जाएंगे 2p 2p दिख रहा है ना, 2 की p के बाद जाएंगे 3s 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 के बाद जाएंगे 3p 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 के बाद जाएंगे 4s 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 के बाद जाएंगे 3d 3d फिर जाएंगे 4p तो 4p समझ रहे हो, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। 4p के बाद 5s 5s फिर जाएंगे 4d 4d फिर जाएंगे 5p 5p फिर जाएंगे 6s 6s फिर जाएंगे 4f इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो आप ऐसे भी आप याद कर सकते हैं और हम ट्रिक लाएंगे लगातार कंप्लीट वे में, आपको भूलना नहीं है एकदम अच्छा से। अब आइए करेंगे क्या, तो आपको तत्व जो एलिमेंट है
तत्व यानी एलिमेंट, इसका संकेत और परमाणु संख्या याद होना चाहिए, क्योंकि एलिमेंट जो है आपको शुरू में ही बताया गया होगा दो टाइप का होता है, एक न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल माने उदासीन, जिस पर कोई चार्ज ना हो उसको उदासीन बोलते हैं, और एक होता है चार्ज जिस पर चार्ज हो, जिसको हम लोग बोलते हैं आवेशित। दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक होता है आपका उदासीन, एक होता है आपका चार्ज आवेशित। उदासीन के लिए हमने आपको बताया था कि जेड बराबर पी बराबर ई होता है, मतलब परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों बराबर होता है। परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए साथियों, आपको एक से लेकर तीस तक का संकेत हम आपको अभी बता रहे हैं, वैसे हालांकि आपको याद ही होगा। हाइड्रोजन का होता है H, इलियम का HE, लिथियम का Li, बेरिलियम का BE, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, याद है तो बोलते जाइएगा, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का NE, सोडियम NA, एहू कहता है S, सोडियम का NA होता है S नहीं होता है, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटासियम K, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट CO, निकेल Ni, कॉपर Cu, जिंक आपका Zn। एक से लेकर हमने आपको 30 तक लिख दिया, एक से कहां तक लिखा, 30 तक, हाइड्रोजन हीलियम लेकर पूरा कंप्लीट वे में। तो देखो भैया, आप इसको गाना भी हम जोड़े हैं, इस पर पूरा एलिमेंट पर धीरे धीरे जोड़ रहे हैं, गाना के तौर पर पूरा एलिमेंट को गा देंगे हम इसे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिनियन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, पूरा एकदम अच्छे से एक तर्ज पे गाएंगे। इसलिए अब देखो भैया, जब इसमें हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक है तो प्रोटॉन भी एक होगा और इलेक्ट्रॉन भी, ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रॉन भी आपका एक होगा क्योंकि हाइड्रोजन पर कोई चार्ज नहीं है। और ये जो आपका जो SPDF आपको दिखा था, ये SPDF सबसेल है, सबसेल आपका चार होता है, याद रखना SPDF, ये चार सबसेल है और अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन यानी एस सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आप दो भर सकते हैं, पी सबसेल में आप 6 भरेंगे, डी में 10 भरेंगे और एफ में 14 भरेंगे। अगर एस सबसेल की बात आएगी तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आप दो भरिएगा, एक भी भर सकते हैं, दो भी भर सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा नहीं भर सकते। अगर पी सबसेल की बात आएगी तो पी में आप एक भी भर सकते हैं, दो भी भर सकते हैं, तीन भी भर सकते हैं, चार भी भर सकते हैं, पांच भी भर सकते हैं, छह भी भर सकते हैं, लेकिन सात नहीं भर सकते। उसी तरह डी में 10 तक भरिएगा और एफ में 14 तक भरिएगा, यानी चार सबसेल SPDF 2, 6, 10, 14। S में कितना इलेक्ट्रॉन भरना होगा, 2, P में 6, D में 10, F में 14। ठीक है, कह रहा है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। जैसे आया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक होता है, हम लोगों को एक इलेक्ट्रॉन भरना है, लेकिन वही सबसेल याद होना पड़ेगा। सबसेल का याद है क्या आप लोगों को, सबसेल के बारे में याद है ना? तो जब सबसेल के बारे में आपको याद है तो भैया पहला सबसेल होता है 1s, या ऐसे समझिए हाइड्रोजन आया भोज खाने आपके यहाँ, भोज समझते हैं ना, हाइड्रोजन आया भोज खाने और हाइड्रोजन कहता नहीं नहीं हम ज्यादा पूरी नहीं खाएंगे, एक पूरी खाएंगे, आप बोले ओ ठीक है, प्लेट लगाओ, सबसे पहला प्लेट लगा दिए 1s लगा दिए, और हाइड्रोजन कहता आपको मैंने बताया है कि s वाला प्लेट में 2 पूरी अटता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, तो हाइड्रोजन कहता नहीं 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 एक ही खाएंगे, तो यहाँ 1s1 कर दिया, यानी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, यानी एक इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए सबसे पहला सबसेल हमारा 1s है और 1s1 कर दिए, ऊपर में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। अब हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, हीलियम का होता है 2, हो जाएगा 1s2, हीलियम में 2 भर दी। अब आता है लिथियम, 3 भर दिए, पहला सबसेल 1s3, सही है,
नहीं है, गलत है, भूल जाते हैं। हमने बताए कि आपको एस सब सेल में दुइये भरना है और दू से ज्यादा नहीं भरना है, तब आप कहिएगा ओ सर समझ गए अब, यानी वन एस, यानी वन एस में दू भर दीजिए। जब पूरा वन एस भर गया, यानी ये वाला वन एस, टू एस, टू पी, थ्री एस, थ्री पी, ऐसे होता है ना। तो देखो जब वन एस पूरा भर जाए तब बढ़ेंगे टू एस पर, तो टू एस में एक होगा क्योंकि दो भर चुके हैं ये। कोई कहा सर जी क्या ऐसा नहीं हो सकता है, वन एस वन और टू एस टू, सर जी दो एक तीन, नहीं रे बुआ गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि भैया पहले पूरा इसको वन एस पूरा जब भर जाएगा तब आगे बढ़ना है, तब आगे बढ़ना है, तो यहाँ वन एस के बाद टू एस होगा, तो इसलिए वन एस टू, टू एस वन, ये इसका सही विन्यास हो जाएगा। अब जैसे बेरिलियम है बुआ, बेरिलियम का होता है चार, चार इलेक्ट्रॉन को भरो, सबसे पहला सबसेल क्या होगा 1s, s में भर दीजिए दो, समझिएगा 1s के बाद होता है 2s, s में भी भर दीजिए दो, दो दो चार सही है। अगर हमको बोरन के बारे में पूछेगा तो बोरन का होता है पांच, क्या होगा 1s, 2, 1s जब पूरा भर जाएगा तो 2s हो जाएगा, 2 चार हो गया, 2s के बाद क्या होता है 2p, तब 2p, तो दो दो चार भर चुके हैं, यहाँ एक भरेंगे पांच। जैसे हमको कार्बन का भरना है, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, तो हम लोग ऐसे भरेंगे 1s, पहला 1s है तो दो भर दीजिए s में दो, 1s के बाद आता है 2s, 2s में भर दीजिए दो, भर गया चार, तो अच्छा से लिख देते हैं क्योंकि आप लोग भी लिखते हैं ना, चार हो गया। अब 2s के बाद होता है 2p, तो देखो भैया चार भर दिए, दो ये ना बचा, छह ना भरना है, टूल को कुल जो है छह भरना है, तो दो दो चार दो छह। जैसे आपको कह दिया रे बुआ सोडियम के जाने छी, कला हाँ जानते हैं परमाणु संख्या 11 होता है, अब इसका बनाओ तो कहिएगा 1s, 2, 1s के बाद होता है 2s, 2s में भी भर दीजिए 2, और 2p में भर दीजिए 6, तो 6 4 10 हो गया, और 2p भर जाएगा तो जाएंगे 3s में, 3s 1। समझ में आ रहा है क्या, बोलो भैया क्या समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है ना। चलिए कैल्शियम का नाम सुने होंगे, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, आपको 20 इलेक्ट्रॉन दिए, 20 इलेक्ट्रॉन को भरना है, पहला सबसेल बोलो 1s, दूसरा बोलो 2s, तीसरा बोलो 2p, 3s, 3p, और 3p के बाद होता है 4s। अब इलेक्ट्रॉन भरो, s में कितना 2, s में कितना 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए सीख गए, बताओ भैया सब लोग कंप्लीट वे में हो गया। देखिए आपके लिए ऐसा नहीं कि रास्ता खत्म हो गया, रास्ता खत्म नहीं होते हैं, बल्कि जहां खत्म होते हैं वहां से एक नया रास्ता शुरुआत होता है, इसलिए कंप्लीट वे में आप लोग पढ़ाई कीजिए और सही रास्ते का चयन कीजिए और सही रास्ते पे जाइए और आप अपने मंजिल तक पहुंचिए। यह हुआ सबसेल के अनुसार, 1s 2s 2p निकाल रहे हैं, यह किसके अनुसार हुआ, सबसेल के अनुसार। तो हम चार तरीका का आपको वादा किए हैं, चार तरीका का बताएंगे। पहला देखो क्या बोले थे, कन्हैया सबसेल के अनुसार बता दिए, अब सेल के अनुसार, सेल को समझिए। ये जो पहली कक्षा है 1s, 1s को हम लोग के सेल कहते हैं, 1s को हम लोग क्या कहते हैं, यही लिख देते हैं, 1s को क्या बोलते हैं, के सेल। अब देखो भैया 2s 2p को क्या कहते हैं, एल सेल, 2s 2p को हम लोग कहते हैं एल सेल। उसके बाद देखा भैया 3s 3p 3d, 3s 3p और 3d को कहते हैं एम सेल, समझ रहे हैं इस तरह से। अब सेल के अनुसार कैसे बनाएंगे, तो देखिए सेल के अनुसार भी हम आपको बता रहे हैं, नहीं करना हो गया, अच्छा यहीं से बनाते 25 26। हाँ अब देखिए सेल के अनुसार, वो तो सब सेल बता दिए। जैसे मान लो मेरे को सोडियम का बनाना है, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, तो पहले सेल बनाना है, इसलिए पहले हम आपको सेल के बारे में सिखाए कि सेल के अनुसार कैसे बनाओगे, बताए ना। जैसे देखिए सोडियम है तो 11 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1s में भर दीजिए 2,
वन एस के बाद होता है टू एस, एस में भर दीजिए दो, टू एस के बाद होता है टू पी, टू पी में भर दीजिए छ, कितना हो गया दो दो चार छ दस, और टू पी के बाद होता है थ्री एस तो दस एक ग्यारह। अब इसको सेल के अनुसार सजा लीजिए, ये जो वन लगा हुआ है ये सेल को दर्शाता है, पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा, और अभी हम जस्ट आपको बोले हैं ये नाभिक है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा, बताए थे ना, ये के सेल है, ये एल है, ये एम है, यहाँ वन एस होता है या टू एस टू पी होता है या थ्री एस थ्री पी और ये थ्री डी होता। तो भैया ये जो पहली कक्षा है क्या इसको मैं के सेल बोलूंगा? जी बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। और ये भी दूसरी कक्षा है, ये भी दूसरी कक्षा है, इन दोनों को लगा के ये हमारा होगा एल सेल, और ये तीसरी कक्षा है तो ये हो जाएगा एम सेल। के एल एम, पहली कक्षा को के सेल, दूसरा को एल सेल और तीसरा को एम सेल। अब के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो के सेल में आपका दो इलेक्ट्रॉन है तो यहां दो दे दिए, एल सेल में छह दो आठ इलेक्ट्रॉन है तो आठ दे दिए, और एम सेल में एक है तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये जो दो आठ एक निकला है यही आपका किसका विन्यास है? सोडियम का। आप ये विन्यास हो गया सबसेल के अनुसार, ये हो गया सेल के अनुसार। जैसे अगर मैग्नीशियम पूछेगा तो मैग्नीशियम का 12 तो पहला होगा दो, दूसरा होगा आठ, तीसरा होगा दो, दो आठ दो। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ ना? तो भैया बोलिएगा 1s 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉन गिनो, दो दो चार छह दस दो बारह, बारह इलेक्ट्रॉन को आपने गिन लिया। अरे भैया जाना नहीं है, पूरा देखो के एल और ये हो गया एम, के सेल में दो इलेक्ट्रॉन, एल सेल में आठ और एम सेल में दो, दो आठ दो। एक और एग्जांपल दे देता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। कैल्शियम का होता है 20, कैल्शियम का 20 होता है, बोलो भैया क्या होगा? 1s, 1s के बाद होता है 2s, 2s के बाद होता है 2p, फिर होता है 3s, फिर होता है 3p, उसके बाद होता है 4s। अब इलेक्ट्रॉन को भरो, दो दो चार छह दस दो बारह छह अठारह दो बीस, बीस को भर दिया। इसको अब कैसे कहेंगे? ये हो गया आप उनका के सेल, क्योंकि पहली कक्षा है, ये दूसरी है एल, ये तीसरी है एम और ये चौथी है एन। सेल के से स्टार्ट होता। अब के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है भैया? दो इलेक्ट्रॉन है, दो लिख दिए, इसमें छह और दो आठ, इसमें छह दो आठ, इसमें दो, तो दो आठ आठ दो जो निकला है ये कैल्शियम का विन्यास निकला है। किसके अनुसार? तो ये सेल के अनुसार निकला। तो सेल और सबसेल समझ गए? बोलो पक्का सेल और सबसेल आप लोग कंप्लीट वे में समझ गए? सेल और सबसेल में कोई तरह का दिक्कत है, कोई एतराज है, कोई मन में छो पांच है तो आप पूछ सकते हैं, बशर्ते कि आपको 1s 2s 2p 3s 3p याद होना चाहिए और परमाणु संख्या किसी भी एलिमेंट का दिया रहेगा, कंप्लीट वे में आप बना दोगे। तो देखो या हम सेल के अनुसार पढ़ा दिए, सबसेल भी पढ़ा दिए, अब आइए अक्रिय गैस के अनुसार जिसको हम लोग नोबल गैस कहते हैं इनको भी हम आपको बता देते हैं, फिर हम लोग आज की सभा को हम लोग यहां पर विराम देंगे, ठीक है? चलिए तो हेडिंग देखिए बनाइए अक्रिय गैस के अनुसार। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नोबल गैस। नोबल गैस आपका कौन है जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है? वर्ग 18 में नोबल गैस है और नोबल गैस के बारे में जानो। यहां हम लोग लिखेंगे हीलियम पहला है, दूसरा है नियॉन, तीसरा है आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और यह है रेडॉन। बोलो तो कौन कौन हुआ? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। बोलो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। 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 याद हो गया? अब देखो परमाणु संख्या याद करो, दो दस अठारह छत्तीस चौवन और ये छियासी, दो दस अठारह छत्तीस चौवन छियासी, दो दस अठारह छत्तीस चौवन छियासी। अब इसका एक नंबर, ये हमारा दो नंबर, ये हमारा तीन नंबर, ये चार नंबर और ये पांच नंबर और ये छह नंबर, नंबरिंग कर दिए। हीलियम एक नंबर, नियॉन दो नंबर, आर्गन तीन नंबर, क्रिप्टन चार नंबर, जेनॉन पांच नंबर और रेडॉन छह नंबर, ठीक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ, वही तो 1s, s में दो, 1s 2 हो गया। इसका बनाओ
वन एच टू और टू एच टू और टू पी हो जाएगा सिक्स। इसका बनाओ वन एच टू टू एच टू और टू पी सिक्स, थ्री एच टू थ्री पी सिक्स। समझ रहे? देखिए दो दो चार छह दस दो बारह छह अठारह, अठारह इलेक्ट्रॉन भर दी। अब एकरा के देखा हो बाबू लोग, छत्तीस भरना। वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स, थ्री एस टू थ्री पी सिक्स, फोर एस टू थ्री डी टेन फोर पी सिक्स। हो गया दो दो चार छह दस दो बारह छह अठारह दो बीस दस तीस छह छत्तीस। अगर मेरे तरह आपको ये सबसे याद हो जाते हैं, देखो कैसे कहे, सेकेंडों नहीं लगेगा, मतलब सेकेंड में बना लोगे, यानी मिनट नहीं लगेगा। ऐसे सबसे मेरे को मान लो याद है, हम लिखेंगे वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी फोर पी फाइव एस फोर डी फाइव पी, हमने सबसे लिख लिया। अब जो इलेक्ट्रॉन को कितना फास्ट में भरेंगे, दो दो चार छह दस दो बारह छह अठारह दो बीस दस तीस छह छत्तीस दो अड़तीस दस अड़तालीस छह चौवन, ये क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन भर दिया। समझ में आया? इसी तरह इसका भी बोलो, बोल दो तू जरा दिल में है जो छुपा, बोल दो वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी फोर पी फाइव एस फोर डी फाइव पी सिक्स एस फोर एफ फाइव डी सिक्स पी। देखो जा 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 जा, हाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन भरो 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 भरो, नहीं तो गड़बड़ हो जाता अभी। दो दो चार छह दस दो बारह छह अठारह दो बीस दस तीस छह छत्तीस दो अड़तीस दस अड़तालीस छह चौवन दो छप्पन चौदह सत्तर दस अस्सी छह छियासी, और छियासी भरना था भर दिया। ये हुआ नोबल गैस का विन्यास, नोबल गैस का कॉन्फिग्रेशन। स्क्रीन शॉट लेना चाहोगे ले लो, लिखना चाहोगे आप लिख लो, ये नोबल गैस का हुआ। अब इसी को प्रयोग करके, इसी का प्रयोग करके, इसी का यूज करके हम लोग बनाएंगे विन्यास, तो कहते हैं नोबल गैस विन्यास। जैसे हमको बनाना है सोडियम का, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो सोडियम के नजदीक में कौन सा नोबल गैस है, सोडियम के नजदीक में कौन सा नोबल गैस है, इनको देखना है। तो सोडियम के नजदीक में, यानी सोडियम जो आता है वो नियॉन और आर्गन के बीच में आता है, नियॉन और आर्गन के बीच में आता है, मतलब आर्गन को हम लोग तो नहीं घेर सकते, क्योंकि आर्गन का परमाणु संख्या साथियों होता है 18, तो हम लोग आर्गन को कहेंगे तो तुमको तो नहीं घेर पाएंगे, लेकिन हम नियॉन को घेर लेंगे ना, या हम ऐसे ऐसे समझिए 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहां देखो दो दो चार छह दस 2p6 तक तो अगर हम इसको घेर दें तो ये नियॉन का विन्यास हो गया ना, नियॉन को इसे घेर दोगे तो ये नियॉन का हो गया, यहां क्या बच गया 3s1। ऐसे हुआ। तो आपको बनाना कैसे है, आपको जब कहेगा तो बनाना कैसे है कम समय में, तो इसके नजदीक में कौन सा नोबल गैस है, नियॉन, नियॉन को घेर लिया, यानी 10 इलेक्ट्रॉन को आपने घेर लिया, एकदम ब्लॉट घिर जाओ, घिर गया। उसके बाद देखो हीलियम नियॉन कितने नंबर वाले को घेरे हो, दो नंबर वाले को, हीलियम नियॉन ये याद रखना, हीलियम नियॉन दो नंबर वाले को घेरे हो तो यहां एक बढ़ा देना, कहां यहां 3s कर देना, तो 10 × 11। जैसे मान लो आपने कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया, कैल्शियम का 20, तो इसके नजदीक में कौन सा नोबल गैस है, इसके नजदीक में नोबल गैस है आर्गन, यानी 18 वाला, हम 18 वाले को घेर दिए, खबरदार घेर जाओ, 18 इलेक्ट्रॉन आपका घेरा चुका है, घिर गया है। अब देखो हीलियम नियॉन आर्गन तीन नंबर वाले को घेरे हो, हीलियम नियॉन आर्गन तीन नंबर वाले को घेरे हो, एक बार आगे बोले थे यह हो जाएगा 4s2 18 दो 20। जैसे आपको ब्रोमीन का निकालना है, ब्रोमीन का BR होता है, परमाणु संख्या 35 होता है, तो BR यानी 36 वाले को तो आप घेर नहीं सकते हो, क्योंकि क्रिप्टन का 36 होता है, इसके बाद होता है, इसके पहले नहीं, तो आपको घेरना होगा यहां पर आर्गन को ही। और हीलियम नियॉन आर्गन तीन नंबर में स्टार्ट होता है, यहां चार से स्टार्ट करोगे 4s 3d और 4p। देखो भैया 18 × 2 = 20 = 10 = 30 = 5 = 35। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मैंने तीन तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बता दिया, सबसेल का, सेल का और नोबल गैस का। ऑर्बिटल का बचा जो कि हम आपको बाद में बताएंगे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बताएंगे।
देखो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, यानी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से यह बात आपको पता चलेगा कि किस ब्लॉक का तत्व है, है ना, ब्लॉक पता कर सकते हो। जैसे ब्रोमीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में गया तो आपको याद हो गया ये पी ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक तत्व है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। कैल्शियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में गया तो कैल्शियम आपका एस ब्लॉक का तत्व है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जब आप पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी पर होगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसे चार ब्लॉक में बांटेंगे एस पी डी एफ, एस पी डी एफ कंप्लीट वे में, एस पी डी एफ याद रखना, एस पी डी एफ हम लोग वहां पर बांटेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग का खत्म हुआ, ठीक है। फिर हम आप लोग के लिए लेकर आएंगे कल क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। और क्वांटम संख्या चार प्रकार के होते हैं, जैसे ये खत्म होगा इसके बाद तीन साहब से मिलाएंगे, अफबाव से, हुंड से और पॉली से और बोर से, बोर बड़ी से। तो ये मिलाने के बाद ये चैप्टर खत्म होंगे, यानी आपको दो तीन लेक्चर और बचा है इस चैप्टर में, कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग नया चैप्टर फिर शुरू करेंगे। उस नया चैप्टर का नाम होगा क्या, जानते हैं ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों का वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद।